हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, नथिंग फोन 1 इंडियन मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। गाइस देखो, बहुत सारी हाइप क्रिएट आपने होते हुए देख ली है और बहुत सारी अनबॉक्सिंग और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आपने देख लिए हैं कि नथिंग फोन 1 अच्छा है। लेकिन गाइस देखो यार, हम जो है अगर इतने पैसे खर्च करते हैं तो क्या हमें उस फोन के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें जो है क्या बुरी बातें हैं या फिर जो है क्या अच्छा नहीं है जिससे हमें जो है उस फोन को लेने से जो है मतलब जो है रुकना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे पॉइंट है जिनको आप जो है परचेज नहीं करो, जिसमें आपके जो मतलब यूजर्स हैं, क्या पता आपको वो यूजेस जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो जो है उस फोन के अंदर नहीं हो। गाइस इस वीडियो में हम जो है डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस देखो, नथिंग वन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना, वो है इस फोन का प्राइस सेगमेंट। प्राइस लॉन्च जो है 33,000 रुपये का। देखो यार, 33,000 रुपये कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि हम पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें इतनी फोन के अंदर कैपेबिलिटी है, क्या इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमें जो है 33,000 रुपीज़ पे करने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो गाइस, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस अकॉर्डिंग हाइप क्रिएट हो रही थी या फिर जो है जिस अकॉर्डिंग रूमर्स एंड लीक्स बता रहे थे, वो बता रहे थे कि ये फोन जो होने वाला है ना, वो होने वाला है 26,000 से 30,000 रुपए के बीच में। मतलब जो है यहां पे जो है प्राइस होने वाली है 30,000 रुपए के अंदर और 25,000 के ऊपर होने वाली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 27,000-28,000 का जो है फोन हो सकता है। उस अकॉर्डिंग हम जो है कंपटीशन ब्रांड के बारे में सोच रहे थे, तो वहां से जो है कुछ अच्छा फोन निकल के आ रहा था और इसलिए जो है हाइप क्रिएट होती जा रही थी। लेकिन जब फोन लॉन्च हुआ, प्राइस लॉन्च हुआ है 33,000 रुपए का, जरूर से जो है इसमें आपको ऑफर वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2,000 रुपए का जो है क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट देखने को मिलता है, प्री बुकिंग वालों के लिए जो है 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। लेकिन गाइस, जो नॉर्मल कंज्यूमर, अगर फ्रेश कोई कंज्यूमर आएगा परचेस करने के लिए फोन को, वो जो है 33,000 रुपए का परचेस करेगा और अगर उसको कार्ड नहीं है तो उसको जो है पूरा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है प्राइस थोड़ी ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए इसकी जो है तो 31,000 रुपए या फिर जो है 30,000 रुपए, जिससे हमारे जो 2,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद में जो है वो फोन जो है 30,000 रुपए के अंदर आता तो हमारे लिए जो है एक अच्छी बात बन जाती। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ है, तो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है इस नथिंग वन फोन वन के लिए, जो कि हमें जो है परचेस करने की तरफ से जो है रोकता है। और गाइस जो है दूसरा ऑप्शन इस फोन का है चिपसेट परफॉर्मेंस। इस चिपसेट परफॉर्मेंस के बारे में मैंने जो है स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है बात बोल रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो है स्नैपड्रैगन 870, स्नैपड्रैगन 888 जो है चिपसेट आपको देखने को मिल रहा है दूसरे ब्रांड में, लेकिन यहां पर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 778G+। हालांकि जो है एक नया चिपसेट है, प्लस वाला चिपसेट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट जो है हम 20, 22, 23,000 वाले फोन के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसका हल्का सा एक अपग्रेड चिपसेट, स्नैपड्रैगन 778G+ वाला चिपसेट जो है हम 33,000 रुपये में खरीदेंगे, तो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि जो है कॉन्फ़िगरेशन, जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा है कॉम्पिटिशन ब्रांड के अकॉर्डिंग, लेकिन हम अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो 33,000 रुपये के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। और गाइस नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो वो है इस फोन का जो है इनबॉक्स में चार्जर नहीं मिलना, चार्जर और आपको जो है कवर नहीं मिलना। देखो यार, यहां पे जो है कंपनी ऐसा बोल रही है कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन कंपनी ऐसा बोल रही है एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं लेकिन जो है अलग से अपनी जेब को जो है भर रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो यार, चार्जर जो है मतलब हमने अगर फोन लिया है या कंपनी ने अगर फोन बेचा है तो कंज्यूमर उस फोन को चार्ज करेगा ही करेगा। देखो यार, यहां पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपके पास चार्जर है तो वो जो है आप वो वाला यूज करो। देखो ये सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है एक्स्ट्रा बेचना उनका जो है काम है। अब देखो यहां पे जो है नथिंग ब्रांड अलग से चार्जर बेच रहा है 45 वॉट का ऑलमोस्ट 1,500 रुपए का, तो वो 1,500 रुपए कंज्यूमर के जेब से जो है अलग से जाने वाले हैं। अगर जो है आप उसी के अंदर बॉक्स में इंक्लूड करके चार्जर देते तो शायद 1,500 रुपए बच जाते और जो है हमें जो फोन है ना वो जो है 30,000-31,000 का जो है विद चार्जर मिल जाता। लेकिन गाइस अभी जो है 33,000+1,500 रुपए का मतलब जो है 34,500 का ये फोन मिलने वाला है, और अगर आप जो है कवर अलग से परचेस करते हो तो वो भी जो है आपको 1,500 रुपए का मिलेगा नथिंग वाला कवर। मतलब जो है ऑफलाइन मार्केट में तो अभी शायद कवर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आप परचेस करते हो तो आपको जो है 36,000 रुपए का ये फोन जो है पड़ने वाला है। और गाइस नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो वो है इस फोन की यहां पे 3.5mm जैक नहीं होना। क्योंकि नथिंग एक नया ब्रांड है, नया ब्रांड का मतलब ये है कि हमें जो है कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि यार हमें, हमारे पास जो है कंज्यूमर आए और हमारे फोन को परचेस करें। लेकिन उनमें अगर उस फोन में अगर कमियां होगी तो वो जो है कंज्यूमर कैसे फोन को परचेस
परचेस करेगा। देखो यार 3.5mm जैक जो है ना, मतलब मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो है उस फोन को परचेज नहीं करूँगा। किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो जो है जरूर से परचेज कर सकता है। आप जो है अलग से ईयरबड्स भी आप जो है यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए अगर 3.5mm जैक इंपॉर्टेंट है तो मैं जो है उस फोन की तरफ नहीं जाऊँगा। ऐसे मेरे जैसे जो है कंज्यूमर बहुत सारे होंगे और जो है उनकी सेल पर जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। तो गाइज ये थे मेरे ओपिनियन इस नथिंग फोन 1 के बारे में कि क्या रीजंस है कि आपको जो है ये फोन परचेज नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताना आपका क्या मानना है इस नथिंग फोन 1 के बारे में, क्या आप परचेज करने वाले हो या फिर जो है नहीं। जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलता है किसी अगले वीडियो में।